देखिए आज का हमारा अगला टॉपिक है हीरा कैसे बनता है। आज हम बात करेंगे हीरा कैसे बनता है, किस चीज़ से बना होता है हीरा, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। इतना मजबूत क्यों होता है हीरा, ठीक है, यही बात करेंगे। आखिर कहाँ बनते हैं हीरे, ये भी बात करेंगे। असली और नकली हीरे की कैसे पहचान करें, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या हीरे बनाए जा सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत में कहाँ कहाँ हीरे की खाने हैं, ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको इसकी PDF वगैरह जितनी भी है मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, उससे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, पहला क्वेश्चन बनता है हमारा हीरा कैसे बनता है। अगर हीरा कैसे बनता है अगर इसकी बात करें, देखिए हीरा क्या है, आपका एक अनमोल रत्न है। हीरा क्या आपका एक अनमोल रत्न है। यही वजह है कि किसी भी बेहतर व्यक्ति या चीज़ की तुलना कैसे की जाती है, हीरे से करी जाती है, ठीक है। सगाई की अंगूठियों से लेकर बढ़िया गहनों तक हीरे की हमारी रोज़मर्रा के जीवन में इतने आम कि अक्सर हम सोचते हैं कि आखिर वे आए कहाँ से, मतलब हीरा आया कहाँ से। लेकिन छोटे रत्नों के निर्माण से लेकर गहनों की दुकान की यात्रा तक वास्तव में काफ़ी प्रभावशाली है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हीरे के सफ़र की कहानी की। देखिए हीरा क्या है, आपका पृथ्वी की सतह के नीचे से लेकर एक अच्छी तरह से बेनियमित प्रयोगशालाओं तक आपको आश्चर्य हो सकता है कि ये चमकदार पत्थर कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए आपको बता दें, हीरे सदियों से राजसी वैभव और विलासिता के प्रतीक रहे हैं। भारत हजारों साल से इनके कारोबार का केंद्र रहा है। कौन आपका, भारत। रोमन लोग इन्हें भगवान के आंसू कहते हैं, ठीक है। रोमन के लोग क्या कहते हैं, इन्हें भगवान के आंसू कहते हैं, ठीक है। देखिए 1700 के दशक के बाद से भारत में विश्व का प्रमुख हीरा उत्पादक देश नहीं है, ठीक है। 1700 के दशक के बाद क्या है, भारत विश्व का प्रमुख हीरा उत्पादक देश नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भारत में हीरे की खनन जो है जारी है। 2013 में भारत की बड़ी औद्योगिक खदानों और छोटी खदानों को मिलाकर केवल 37,515 कैरेट हीरे के खनन किए गए हैं, ठीक है, जो उस वर्ष पूरे विश्व के उत्पादन का 132.9 मिलियन कैरेट के 1% के 10वें हिस्से के से भी कम रहा है, ठीक है। लेकिन बहुत से लोगों का कहना है, विश्व के पहले हीरे की खोज 4000 साल पहले भारत के गोलकुंडा क्षेत्र के आधुनिक मतलब हैदराबाद नदी के किनारे पर चमकदार रेत में हुई थी। लेकिन पश्चिमी भारत के औद्योगिक शहर सूरत में दुनिया के 92% हीरे को काटने और पॉलिश करने का काम किया जाता है, ठीक है। और इस काम के कारण दुनिया में लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। हीरा बनता कैसा है उसकी बात करें। देखिए अब बात करें हीरा किस चीज़ से बना होता है। देखिए अगर बात करें हीरा किस चीज़ से बना होता है, अगर हीरे की बात की, हीरा क्या है, एक पारदर्शी रत्न होता है हीरा। इसे रासायनिक रूप से कार्बन एक शुद्धता का इसमें, देखिए रासायनिक रूप से कार्बन क्या है, इसमें शुद्धता का रूप है, ठीक है। इसमें बिल्कुल मिलावट नहीं होती है। यदि हीरे को ओवन में 763 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए तो यह जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन ला लेता है, ठीक है, तथा बिल्कुल भी राख नहीं बनता है। इस प्रकार हीरे की 100% कार्बन से ही बनते हैं, मतलब 100% हम कह सकते हैं कि हीरे आपके कार्बन से ही बनते हैं, ठीक है। हीरा रासायनिक तौर पर बहुत ही निष्क्रिय होता है, ठीक है। हीरा क्या होता है, बहुत ही रासायनिक तौर पर क्या होता है, निष्क्रिय होता है, ठीक है। सभी घोलकों में क्या होता है, घुलनशील होता है, और इसका अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 3.15 इसका अपेक्षित घनत्व होता है, किस चीज़ का, आपके हीरे का, ठीक है। देखिए हीरा मजबूत क्यों होता है, दूसरा टॉपिक पे हम बात कर रहे थे, हीरा इतना मजबूत क्यों होता है, ठीक है। देखिए हीरे में क्या होता है, सभी कार्बन परमाणु बहुत ही शक्तिशाली सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है, इसलिए यह बहुत कठोर होता है। आपको यह भी बता दें कि हीरा प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ है। इसमें उपस्थित चारों इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध में भाग लेते हैं तथा एक भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होते हैं, ठीक है। यही वजह है कि आपका हीरा विभिन्न प्रकार के
मतलब हीरा क्या है आपका, हीरा आपका ऊष्मा तथा विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक है, हीरे आपके क्या होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, इस प्रकार का आपका हीरा हो सकता है, ये भी हो सकता है, इस टाइप का भी हो सकता है, ये भी आपका क्या है, हीरे विभिन्न प्रकार के आपके हो सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, देखिए बात करें हीरा कैसे बनता है, हीरा कहाँ बनते हैं। देखिए हीरा की बात करें कहाँ बनते हैं हीरे, देखिए वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर बात करें तो हीरे जमीन से लगभग 160 किलोमीटर नीचे बेहद गर्म माहौल में बनते हैं। हीरे कहाँ बनते हैं, जमीन से 160 किलोमीटर नीचे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ज्वालामुखी गतिविधियां इन्हें ऊपर की ओर लाती हैं। ठीक है, ज्वालामुखी क्या है, गतिविधियां इन्हें ऊपर की ओर लाती हैं। ग्रहों या पिंडों को काटकर भी हीरे मिलते हैं, मतलब ग्रहों और पिंडों को, पिंडों की टक्कर से भी क्या होते हैं, हमें हीरे मिलते हैं। ठीक है, हीरे अथाह गहराई में बहुत ज़्यादा दबाव और तापमान के बीच कार्बन अणु बेहद अनोखे ढंग से जुड़ते हैं और हीरे जैसे दुर्लभ पदार्थ में बदल जाते हैं, मतलब हीरे जैसे दुर्लभ पत्थर में क्या है, वो बदल जाते हैं। कौन आपके, हीरे। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने इसमें दिखाया है। ठीक है, तो आपके लगभग 160 किलोमीटर नीचे हीरे मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें हीरा असली और नकली की पहचान कैसे करते हैं। देखिए असली, अमेरिका के जोमिकल इंस्टीट्यूट के शोध के मुताबिक बेहद गहराई से निकलने वाले हीरे रासायनिक रूप से शुद्ध होते हैं और ये अद्भुत रूप से क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं। प्राकृतिक हीरे और फैक्ट्री में बनाए गए हीरों के बीच फर्क इतना बहुत मुश्किल है, केवल एक खास उपकरण से ही असली हीरे की पहचान होती है। ठीक है, एक उपकरण होता है उससे ही हम केवल असली हीरे की पहचान करते हैं, क्योंकि आपके जो प्राकृतिक रूप से बनते हैं और आपके एक जो आपके फैक्ट्री वगैरह में बनाए जाते हैं। ठीक है, नकली हीरे बोलते हैं जिन्हें हम। ठीक है, लेकिन देखिए बात करें कोहिनूर हीरा, देखिए कोहिनूर हीरा आपका क्या था, कोहिनूर हीरे की अगर बात करें, देखिए आपका 5000 वर्ष पहले, मतलब हीरा होता हुआ कहाँ गया वो आपका, देखिए जो आपके कोहिनूर हीरा, अगर जनरल कोहिनूर हीरे की बात करें तो यहाँ पर आपको मैंने एक तरीके से दिखाया है चित्र में, तो आप इसको समझ लें। देखिए 5000 वर्ष पहले काउंटर, 1304 में आपका मालवा, ठीक है 1306 ओरगला, 1323 दिल्ली, 1339 समरकंद, 1526 दिल्ली। कोहिनूर हीरे की हिस्ट्री बता रहा हूँ आपको। ठीक है, 1739 पेरिस, 1800 पंजाब, 1849 लाहौर, 1850 ब्रिटेन। इस समय कहाँ आपका जो हीरा है कोहिनूर प्रेसिडेंट, इस समय जो आपका टावर ऑफ लंदन में आपका क्या है, कोहिनूर हीरा मौजूद है। ठीक है, तो ये कोहिनूर हीरे की जनरी है, कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुका है। ठीक है, अब असली हीरे के अंदर क्या बनावट की बात करें, देखिए ये क्या होता है, उबड़ खाबड़ होते हैं। ठीक है, असली हीरे क्या होते हैं आपके, उबड़ खाबड़ होते हैं, लेकिन कृत्रिम हीरा अंदर से सामान्य दिखता है। क्या दिखता है, सामान्य दिखता है। असली हीरे में कुछ न कुछ खांचे होते हैं जो बाहर 100 गुणा ताकतवर माइक्रोस्कोप की मदद से देखे जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा है आप हीरे को अखबार पर रखें, उसके पार से अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करें, अगर आपको टेढ़ी लकीरों में दिखे इसका मतलब आपके पास नकली हीरा है। देखिए अगर आप हीरे को कागज अखबार पर रखते हैं, अगर उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसका अगर टेढ़े लकीरें दिखाई दे रही हैं तो इसका मतलब क्या, आपके पास हीरा नकली है। ठीक है, दूसरा अगर आप हीरे को पराबैंगनी किरणों में देखेंगे तो यदि वह हीरा नीला नीली आभा के साथ चमकता है तो हीरा असली है, लेकिन हीरे से हल्की पीली या हरकी स्लेटी रंग की भावा आभा निकले तो समझ लीजिए कि ये क्या है, मोइका नाइट है। ठीक है, मोइसा नाइट है। ठीक है, चौथी पहचान इसकी करेंगे, असली हीरा पानी में डालने में क्या है, डूब जाता है, जबकि असली हीरा पानी के ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, पानी में डालेंगे तो फेंक जो होगा आपका ऊपर तैरता रहेगा, लेकिन असली हीरा आपका पानी के अंदर बैठ जाएगा। ठीक है, एक मन में क्वेश्चन बनता है हमारे, हीरे बनाए जा सकते हैं, क्या हीरे बनाए जा सकते हैं। देखिए भुनी हुई मूँगफली को पीसकर बनाए गए पोस्ट का इस्तेमाल
इसे पीनट बटर कहते हैं। ठीक है, देखिए इस देखिए धरती की सतह से 800-900 किलोमीटर नीचे भारी दबाव के बीच रखा जाए तो क्रिस्टल को आणविक संरचना बदल जाती है और वह हीरे में क्या है परिवर्तित हो जाती है। किस चीज़ का पेस्ट? मूंगफली का पेस्ट। कितने नीचे रखना है? 800-900 किलोमीटर हमें नीचे रखना है। ठीक है, दूसरी विधि हीरे में देखिए विधि दूसरी विधि में क्या है, हीरा अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में सारसोता इलाके में बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ हीरो की क्या है, खेती की जाती है। हीरा के एक छोटे छोटे टुकड़ों को बीज की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कार्बन के साथ मिलाकर हीरे के टुकड़े को ग्रोथ चैम्बर में डाला जाता है। ठीक है, फिर इन्हें एक रिएक्टर में लाया जाता है तो वहाँ पर भी हीरे बनते हैं। इसी रिएक्टर में क्या होता है, तापमान दबाव बिल्कुल पृथ्वी के गर्भ जैसा होता है, लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस और 50,000 एटमॉस्फेयर के दबाव में ग्रेफाइट हीरा बनने लगता है। ठीक है, इस विधि से हीरा बनाने में कितने घंटे लगते हैं? 82 घंटे लगते हैं। ठीक है, इतने समय में हीरे का छोटा टुकड़ा कच्चा हीरा बन जाता है। ठीक है, इसे एसिड गोल्ड में डालकर अलग किया जाता है। काय में अलग किया जाता है? एसिड के घोल में डालकर इसे अलग किया जाता है। ठीक है, देखिए भारत में हीरे की खान की अगर बात करूँ तो भारत में आपके हीरे की खान कहाँ कहाँ है? देखिए आपकी भारत में पन्ना और पुदेर, देखिए पन्ना कहाँ है आपकी, पन्ना और बुंदुर परियोजना मध्य प्रदेश के कोल्लूर खान गोलकुंडा आंध्र प्रदेश में हीरे की खदानें पाई जाती हैं। कहाँ पर? पन्ना और पुदुर परियोजना मध्य प्रदेश में कोल्लूर खान और गोलकुंडा आपके आंध्र प्रदेश में हीरे की खदानें पाई जाती हैं। लेकिन गोलकुंडा की क्या आपकी प्रसिद्ध खदान से ही कोहिनूर हीरा का प्रसिद्ध हीरा निकला था। ठीक है, गोलकुंडा के प्रसिद्ध खदान से ही क्या था आपका, कोहिनूर हीरे का नाम प्रसिद्ध हीरा निकला था। ठीक है, जो कि आजकल कहाँ आपका, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के मुकुट की शोभा बढ़ा रहा है। ठीक है, कौन सा आपका, कोहिनूर हीरा। ठीक है, जो मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, तो कोहिनूर आपका हीरा कहाँ पहुँच गया, इस समय टावर ऑफ लंदन यानी कि महारानी विक्टोरिया के उसमें ताज की शोभा में लगा हुआ है। ठीक है, जो कि हमारे भारत में निकला था कभी। ठीक है, तो आज आपने पढ़ी हीरे की जनरी। ठीक है, हीरा बनता कैसे है। ठीक है, इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसमें आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।